जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी सतर्कता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल यातायात पुलिस द्वारा 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस आयुक्त मकरन देउस्करनी नवीन कंट्रोल रूम से यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है, जिसके तहत लोगों में एक जनचेतना जगाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वह वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करे। उन्होंने कहा कि कई बार पुलिसकर्मी भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जन जागरूकता के लिए कई तरह की गतिविधियां आयोजित होंगी। इन गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा के नियमों की प्रदर्शनी का आयोजन होगा। वाहन चालकों से संवाद कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रचार सामग्री भी वितरित की जाएगी। इस कार्यालय परिसर से सड़क सुरक्षा का शुभारंभ हुआ है। इस सप्ताह में हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूली बच्चे आम जनता से संपर्क स्थापित करें, उनमें एक जन चेतना जागृत करने का प्रयास करें, जिसमें उद्देश्य यह रहे कि वे सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स हैं उनका पालन करें, जैसे हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, शराब पी करके गाड़ी न चलाना आदि। और इसके बारे में जितनी ज़्यादा जन जागरूकता की जा सकती है उसका प्रयास किया जाए। 12 साल की स्कूली छात्रा की भी आज एक्सीडेंट में मौत हुई है। 407 वाहन ने पीछे से टक्कर मारी शाहजहां थाना क्षेत्र में। इस तरह से जो बड़े वाहन जो है शहर में रहते हैं, तो इसको लेकर भी किस तरह का आप देखिए, इसमें जो बड़े वाहनों के संबंध में नो एंट्री के तो का रेगुलेशन तो होता ही है, लेकिन कई बार जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज के ट्रक्स को जो अनुमतियाँ दी जाती हैं उनसे ये संभव है। निश्चित ही ये घटना दुखद है, लेकिन इसमें जो भी हम लोग जो एक्सीडेंट के जो स्पॉट्स हैं, स्पेशली जो जहां पर डेथ हुई हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई मतलब मानवीय चूक के अलावा अगर कोई और इंजीनियरिंग वगैरह की अगर कोई समस्या है उसका भी अध्ययन करेंगे। आपने ये भी कहा कि पुलिस भी जो है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.